बॉडी बिल्डिंग फेम दीपक शर्मा ठगी का शिकार हुए। महिला ने 51 लाख रुपए का चूना लगा दिया। 15% मुनाफे और ब्रांड एम्बेसडर की पेशकश। जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट दीपक शर्मा ठगे गए। बॉडी बिल्डिंग फेम तिहाड़ जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट दीपक शर्मा ठगी का शिकार हुए हैं। उनका दावा है कि एक चैनल के रियलिटी शो में भागीदार रही महिला ने अपने पति के साथ मिलकर उन्हें 51 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने और ब्रांड एम्बेसडर बनने के नाम पर रकम ली गई थी। अब दोनों फरार हैं। ईस्ट दिल्ली के मधुबिहार थाने में शिकायत दी गई कि जिस पर रविवार को ठगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दीपक शर्मा वेस्ट विनोद नगर में रहते हैं। वह तिहाड़ जेल में काम करते हैं और बॉडी बिल्डिंग और रियलिटी शो में हिस्सा लेने से सुर्खियों में आए थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि एक टीवी शो में हिस्सा लिया था। रौनक गुलिया भी इसमें पार्टिसिपेंट थी, जिसने अपने पति का हेल्थ प्रोडक्ट का बड़ा कारोबारी होने की जानकारी दी थी। शो खत्म होने के बाद दोनों में अक्सर बातें होने लगी। दीपक का दावा है कि मई 2022 में रौनक के पति अंकित गुलिया से मिले। मौका था उनके सप्लीमेंट ब्रांड की लॉन्च पार्टी का। जनवरी 2023 में रौनक ने बताया कि पति का बिजनेस अच्छा चल रहा है और उन्हें काफी प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन मल्टीपल ब्रांड और आउटलेट खोलने के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड की जरूरत है। फिर क्या था जना, 50 लाख रुपए पति के बिजनेस में इन्वेस्ट करने का प्रपोजल थमा दिया। दावा है कि रौनक ने 50 लाख रुपए पति के बिजनेस में इन्वेस्ट करने का प्रस्ताव रखा। आपको बता दें, ईस्ट दिल्ली के मधुबिहार थाने की पुलिस ठगी का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। दीपक का दावा है कि 15% प्रॉफिट पर सहमति जताते हुए फरवरी के बाद 51 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। 8 लाख कैश लेने के बाद पति पत्नी 2 मार्च को यमुना बिहार आए थे। अप्रैल 2023 में अपनी रकम के बारे में छानबीन की तो पता चला कि उनके साथ दोनों ने ठगी की। पूछताछ करने पर पता चला कि इस तरह से वे कई लोगों को चूना लगा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।